रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में चल रहे शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन सिलीगुड़ी और यूपी के देवरिया क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। इस मैच में देवरिया टीम ने सिलीगुड़ी की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। मैच का उद्घाटन बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, महासचिव अरविंद कुमार पांडे व प्रेस क्लब के अध्यक्ष कैलाश कश्यप ने किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। शहीद भगत सिंह के तैल चित्र पर पुष्पांजलि की गई। राष्ट्रगीत गाकर शहीद भगत सिंह को नमन किया गया। इस मौके पर श्रमजीवी के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि जिस उद्देश्य के तहत आयोजन समिति ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की है, उस उद्देश्य को पूरा करना युवाओं की जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही सुंदर नजारा। पहले टीम से परिचय का क्रम धीरे धीरे समाप्त होता हुआ ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे। देश के क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी को नमन करता हूँ और वैसे आयोजक को बधाई और शुभकामना देता हूँ जो ऐसे वीर क्रांतिकारी के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन के लिए। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहन प्रसाद विद्यार्थी जो शिक्षक है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो जिस सोच के तहत इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने का प्रयास किया गया। यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि शहीद भगत सिंह की तरह ही क्रांतिकारी बने और अपने हक, आवाज और देश की रक्षा के लिए जिस तरह शहीद भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दे दी मात्र 26 साल की उम्र में, उस तरह देश पर किसी भी तरह की आँच आ रहे तो उसके लिए हम युवाओं को भी तैयार रहना चाहिए। आज सिलीगुड़ी और देवरिया के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है जो पहले मैच है। खिलाड़ियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वे खेल भावना से खेलेंगे। खेल में हार जीत किसी न किसी एक टीम को होना ही है, इसलिए वे किसी भी द्वेष की भावना से खेल नहीं खेलेंगे। आपसी भाईचारा प्रेम के तहत वे अपना खेल खेलेंगे और वे रघुनाथपुर जैसे छोटे शहर में भी खेलने के लिए तैयार हुए, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ।